टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं जेड नाउ टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। इकराम से अस्सलाम वालेकुम। हज कमेटी तेलंगाना के फरमाइश से अभी पहली बस जो हाजियों को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट आरजीआई एयरपोर्ट को रवाना हुई है। आज जो है पहली फ्लाइट 10:45 में हज के लिए सऊदी के लिए निकलेगी। ये जो फ्लाइट है वो मदीना मुनवरा में के लिए जा रही है। इसमें 283 हाजी जो हैं सफ़र कर रहे हैं। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, आप उनके सफ़र के लिए दुआ करें। आज जो है एक फ्लाइट हमारे यहाँ से जा रही है और शायद ये पहली फ्लाइट है हिंदुस्तान से जो मदीना मुनव्वरा में के लिए जा रही है। वहाँ पे ये पहली फ्लाइट हिंदुस्तान से लैंड करेगी। कल से लेकर मुसलसल 25 मई तक जो है 38 फ्लाइट का इंतज़ाम किया गया है। सारे 38 फ्लाइट में 11,400 चिल्लर हाजी जो हैं जा रहे हैं। हज कमेटी तेलंगाना की तरफ से बहुत ही जो है उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, उसको बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। हमारे यहाँ ट्रांजिट हाजियों के लिए फूड सप्लाई से लेकर उनके लगेज को DGT वैन के थ्रू स्पेशली भेजा जा रहा है। DGCI से भी एक परमिशन आ गया है, उस परमिशन के हिसाब से उनके सारे लगेज को स्क्रीन किया जा रहा है यहाँ पे और हैदराबाद एयरपोर्ट को भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की सहूलियत का इंतज़ाम किया गया है। करेंसी चेंज करने के लिए बैंकों से रिक्वेस्ट करके उनका काउंटर भी लगाया गया है, जो कि जो सबसे अच्छे कन्वर्जन रेट जिनका होगा वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल कैंप का, प्रॉपर फूड का, प्रॉपर आराम का, उनके लिए वज़ू का, नमाज का, यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक में भी जो उनकी सुविधाएं फैसिलिटीज़ अरेंज की गई हैं। इंशाल्लाह हम सबकी कोशिश होगी कि इस बार हज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो, यहाँ के हाजी आराम से रहें और सहूलियत से हज कर जो है सवाब दारन हासिल करें। मन टेंट का जो है हैदराबाद सप्लाई कंपनी की तरफ से जो है इंतजाम किए गए हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये इंतज़ाम किए गए हैं। बारिश का इम्कान था तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की बारिश के बावजूद भी है बहुत ही आराम से यहाँ पर जो है आज इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह की कोई डिस्ट्रिक्ट से जो भी आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर साइनेजेस बनाए गए हैं। जो लोग को वैक्सीन नहीं मिला है उनके लिए भी हम लोगों ने स्कॉट और व्हीकल का इंतज़ाम किया है। यहाँ से इमीडिएटली उनको वैक्सीन लग जाएंगे और आराम से वो लोग जो है जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू उनको आराम जहाँ करना है वहाँ पे हर जगह बताया जाएगा और हर तरह का इंतज़ाम उनके लिए किया जा रहा है। सबका हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर भी है, सुविधा ऐप भी इस बार रखा गया है। खादिमुल हुज्जाज जो हैं जो उनके साथ जा रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और हमारे लोग जो हैं हज कमेटी के अफसरान और हज कमेटी के जो भी मुलाजिम्स हैं वो लोग 24 घंटा उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह का कोई नहीं है। एयरपोर्ट में जो है वजू के लिए खातून के लिए अलग से और हजरात के लिए अलग से जो है वजू खाना बनाया गया है। यहाँ तक कि उनके साथ जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी वजू के लिए अलग से और नमाज का इंतज़ाम किया गया है। खातून के लिए अलग से नमाज का इंतज़ाम किया गया है और जो हजरत हाजी हजरत के लिए भी अलग से नमाज का इंतज़ाम वहाँ पे किया गया है। इमिग्रेशन के लिए सेपरेट इमिग्रेशन कैंप्स लगाए गए हैं। फ्रिस्किंग के लिए भी सेपरेट जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए जेड नाउ टीवी, यही
सच है।